स्पील मिट के स्टॉक से दो खास मेहमान है तैयार, पालिया साहब सेठी साहब दोनों का किया जाए स्वागत बिगुल के साथ। आप दोनों का स्वागत है सेठी साहब, सुप्रभात। शुरुआत करें, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है एक ऐसे सेक्टर से है जो पिछले दो चार दिनों की जो मार्केट है उससे अछूता रहा है, आईटी सेक्टर। और ये तो आईटी और ऑटो का कॉम्बो है। स्टॉक का नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, जो अभी 705 के आसपास ट्रेड करता है। ये कंपनी एक ऑटो इंजीनियरिंग और मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। मेनली एक ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटर है, जिसके जो ये जितने लार्ज ओईएम्स है उनके जो आरएनडी प्रोजेक्ट्स है उनको असिस्ट करने के लिए काम करती है। और जिस तरह से दुनिया भर में ये जो आइस जो इंजिन है, मतलब इंटरनल कम्बशन इंजिन को रिप्लेस करने का या जो ट्रांजिशन चल रहा है टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इन सब कंपनियों के जो आरएनडी स्पेंड है उसमें जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। और उसका बड़ा फायदा केपीआईटी टेक जैसी कंपनी को होगा, एक हाई एंट्री बैरियर है इस सेगमेंट में। और इनके जो कॉम्पिटिटर्स है टाटा एलेक्सी और एलटीटीएस, उनके कंपेरिजन में देखे तो वैल्यूएशन भी सस्ते लगते हैं। एक जीरो डेट कंपनी है, हालांकि वैल्यूएशन उनके कंपैरिजन में सस्ते हैं। ओवरऑल देखेंगे तो ऐसे थोड़े एक्सपेंसिव नजर आएंगे, बट स्टिल आई फील कि एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, अच्छा खासा एफआईएस डीआईएस का इंटरेस्ट है, एमआईटी भी इसमें है 3.11%, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 950 का मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट। 950 के बड़े टारगेट्स आ रहे हैं केपीआईटी टेक पर, पहले भी इस स्टॉक पर रिकमेंडेशन आ चुकी है और लगातार मोमेंटम में भी रहा है। मिडकैप आईटी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आउट परफॉर्मर्स है ये काउंटर। पालिया साहब, मॉर्निंग सर, बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिक कौन सी है? मॉर्निंग दीपांशु जी, मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी कार्बोरंडम यूनिवर्सल। ये स्टॉक में देखे तो ओवरऑल इसके अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम में देखे तो स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक वापस अपने अप ट्रेंड को यहाँ पे रिज्यूम करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे मंथली वीकली चार्ट पे बनी हुई है, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा अप मूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 1100 से 1150 तक के। कोई भी डिप में इसको ऐड किया जा सकता है, स्टॉप लॉस होगा करीब 890 के आसपास। तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पिक। कार्बोरंडम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की सलाह है इस काउंटर पर। आइए जय की तरफ से भी ली जाए, उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। जय बताएं कौन सा स्टॉक लेकर आए आज? 10 की कमाई में जो स्टॉक मैंने आज चूज किया है वो है कैम्प्लास्ट। ये ट्रेड कर रहा है 443 के करीब, इसको खरीदना चाहिए। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया थी, अब स्टॉप लॉस लगा है 418 का, एंड जो टारगेट इसके निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट वुड बी 496 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 520। सो 496-520 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे कैम्प्लास्ट। दीप, इसमें बहुत ही अच्छा सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये इसका ब्रेकआउट आपको ऊपर की तरफ देखने मिलना चाहिए। इसका जो कंसोलिडेशन उसका एक लास्ट लेग खत्म हो चुका है, मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा, कंसिडरिंग कि इसके पहले का जो मूव था एक अच्छा ट्रेंड था। मोमेंटम में काफी समय से अगर आप देखें तो एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ बाय क्रॉस ओवर देखने मिला, इसका मोमेंटम जीरो हो चुका था अभी और वहां से रिवर्स देखने मिला डेली वीकली चार्ट पर। So from a point of view of risk reward as well as bullish pattern, Kamplast में आप खरीदारी कर सकते हैं। Kamplast में आप खरीदारी कर सकते हैं, ये राय आ रही है जय की तरफ से, इस पर रखनी है नजर। आई एक बार जरा कमोडिटी बाजार के भी हाल ले लेते हैं, क्योंकि पहले एक घंटे में हमने देखा है काफी एक्शन हो चुका है। करेंसी मार्केट में भी 11 पैसे कमजोर खुला था रुपया, अब आपको 15 पैसे कमजोर रुपया दिख रहा है, तो थोड़ी वीकनेस वहां पर आई है। उतार चढ़ाव पिछले कुछ दिनों से करेंसी मार्केट में आपको वैसे भी दिखा ही है। कच्चा तेल आज हल्की फुल्की खरीदारी आपको दिखाएगा, बट अगर आप फ्राइडे से अब तक देखें तो हमारे प्राइसेस करीब 100-125 रुपए नीचे ही आपको दिख रहे हैं, ना कि ऊपर, तो ये एक अच्छी बात है। और ऑफ कोर्स इस हफ्ते जैसा बग्गा साहब भी बता रहे थे ओपेक की बैठक है, तो उस पर भी हम सबकी नजर है। नेचुरल गैस 2 साल के निचले स्तर पर है इंटरनेशनल मार्केट्स में, और हमारे बाजार में भी देखिए बड़ा कट आज सुबह आपको आते हुए दिख रहा है, 5.5% की कटौती आपको नेचुरल गैस में बनती हुई दिखेगी। इसके अलावा गोल्ड यहां पर खरीदारी हो रही है 225 रुपए ऊपर, 57,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है। सिल्वर में भी आपको पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है, 0.5% ऊपर है, 450 रुपए की खरीदारी है 68,700 के लेवल पर आता हुआ। बेस मेटल्स हालांकि आज चीन के बाजार फिर से खुले हैं एक हफ्ते की छुट्टी के बाद, बट ज्यादा एक्शन आपको नहीं दिख रहा है। कॉपर एकदम सपाट है
लेड एल्युमिनियम जिंक में भी मामूली गिरावट आपको होती हुई दिख रही है, तो कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन आज बेस मेटल पैक में नहीं है। हालांकि चीन ऑफकोर्स आपको दोबारा खुलते हुए दिखाए। IIFL सिक्योरिटीज की राय, MCX पर गोल्ड खरीदारी करनी है, फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर चलिए 56,800 के लेवल पर, तो थोड़ा डिप आने दीजिए, उसके बाद खरीदें। स्टॉप लॉस 56,550 का रहेगा और आपका टारगेट होगा 57,200 का। सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट ये खरीदना है 68,300 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 67,600 और टारगेट आपका रहेगा 69,500 का। कच्चा तेल फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट ये खरीदिए 6400 के लेवल पर, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, स्टॉप लॉस 6250 और टारगेट रहेगा आपका 6650। और जीरा मार्च कॉन्ट्रैक्ट एनसीडेक्स पर, यहां पर आपको बिकवाली करनी है 31,400 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 31,900 और टारगेट रहेगा आपका 30,400, 30,400 का। तो तीन बाय कॉल्स हैं, गोल्ड सिल्वर क्रूड, एक सेल कॉल है जीरा। यह है IIFL सिक्योरिटीज की राय। चांदी में एक्शन कब? चीन खुल चुका है अनिल जी, मेटल मांग बढ़ने की उम्मीद है, बट चांदी में हमने देखा है रिसेंटली एक्शन गायब रहा, एक रेंज में है सर 68 और 69,000 के दायरे में, इंटरनेशनल प्राइसेस $24 के आसपास काफी समय से अटके हुए हैं। तो फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं चांदी के, ये जानेंगे और इसी पर हमारा खास सेगमेंट है, स्पेशली चीन के वापस खुलने के कॉन्टेक्स्ट में क्या सिल्वर में आपको थोड़ा एक्शन आ सकता है, ये सवाल पूछा जाएगा आज। तो ये है आपके लिए चांदी में एक्शन कब, बड़ा सवाल, 11:30 बजे इस पर होगा विचार विमर्श और आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल्स, मिस मत कीजिएगा। चांदी और कमोडिटी का सारा एक्शन जो शुरुआत हुई है आज से भी बड़े एक्शन की, क्योंकि लंबी छुट्टियां मनाने के बाद आज चीन के बाजार फिर से खुल चुके हैं। तो जरा चीन का भी जायजा लिया जाए। बिल्कुल बग्गा साहब से यहाँ हिंदुस्तान में बैठे बैठे, सर चीन लंबी छुट्टी के बाद खुला है, खुलने के बाद किस तरह के संकेत आ रहे हैं, कमोडिटी बाजार के लिए क्या एक्शन हो सकता है सर? ये पॉजिटिव रहेगा अनिल जी। देखिए तो एक उनके ऑफिशियल का भी बयान आया था कि लगभग 100 करोड़ लोगों को कोविड का संक्रमण हुआ था। अब ये है कि यही सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था दुनिया का, कि उन्होंने कहा हर्ड इम्यूनिटी बनाते हैं 9 दिसंबर को, अनप्रिपेयर्ड पॉपुलेशन को एकदम से उन्होंने छूट दे दी, जो करना है करो। और चीन का रीओपनिंग दुनिया के लिए बहुत अहम है। आप एक नंबर लीजिए, टूरिज्म जो है आउटबाउंड टूरिज्म चीन से जो होता है दुनिया के अंदर $260 बिलियन का होता है, $260 बिलियन था 2019 में, जो आखिरी आप ले सकते हैं साल कोविड के शुरुआत से पहले का। तो इस तरह का नंबर आने वाला है, रिवेंज कंजम्पशन आने वाली है। दुनिया का सबसे बड़ा जो हम कहते हैं एक सेगमेंट है, और वो है चीनी कंज्यूमर, जिसके पास $2.6 trillion की एक्सेस सेविंग्स हुई है पिछले 2 सालों में। $2.6 trillion का एक्सेस बैंक बैलेंस पड़ा है चीनी कंज्यूमर के पास। आप देखिए लक्जरी गुड्स के जितनी कंपनियां यूरोप की बहुत अच्छा कर रही हैं, अब साथ में क्या है, सप्लाई चेन पे जो प्रेशर है वो कम होगा चीन का लॉकडाउन हट जाने से, और अब पूरा रीओपनिंग आ रहा है। तो मुझे लगता है मार्च के आते आते हमें मेटल्स में एक उछाल दिखना चाहिए, सप्लाई चेन्स के बिल्कुल ठीक होने से हमें इन्फ्लेशन में और कमी आती दिखनी चाहिए। तो ओवरऑल रुझान बहुत अच्छे हैं। इस साल का बहुत अहम इकोनॉमिक मुद्दा रहेगा चाइना का रीओपनिंग और चाइना का रिकवरी, ये पूरे दुनिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। चाइना सबसे बड़ा फोकस रहेगा इस समय का, जो बग्गा साहब आपको कह भी रहे हैं, और रीओपनिंग के बाद क्या एक्शन आता है। आज वैसे थोड़ा उतना मूव नहीं आ रहा है, उनके बाजार भी ठीक है और मेटल पैक जहां पर सबकी नजर बनी थी वो भी आपको ठीक ही दिख रहे हैं, बट यहीं पर आपको सबसे बड़ा फोकस रखना है। पोजिशन पिक लीजिए, बिल्कुल ले सकते हैं। सेठी साहब ने KPIT टेक बताया है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, सेठी साहब कोई पोजिशन पिक भी है आपके पास? अरे बिल्कुल अनिल जी, अनिल जी जो आज की मेरी पोजिशनल पिक है, एक बैंकिंग स्टॉक है, स्टॉक का नाम है इंडियन बैंक, जो अभी 288-289 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। इसके तिमाही नतीजे आए थे शायद बुधवार या गुरुवार को आए थे, और ये जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो मार्केट मची या बाजार में भी जो गिरावट आई उसकी आंधी में ये अच्छे नतीजे गायब हो गए। अनिल जी बहुत ही दमदार नतीजे थे, हर फ्रंट पे बाजार के एस्टिमेट्स को बीट किया, एसेट क्वालिटी में जबरदस्त सुधार है,
और जिस तरह से हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर बहुत ही अच्छा लगता है, और ये जो गिरावट आई है पूरे बैंकिंग स्पेस पे, मुझे लगता है एक बार अगर ये प्रॉब्लम रिजोल्व होती है तो सबसे पहला जो रिबाउंड है वो बैंकिंग स्टॉक्स में आना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करेगा, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 315 रुपए का, 280 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो इंडियन बैंक है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से 280 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका और 315 का होना चाहिए टारगेट। चलो बैंक को कोई खरीद रहा है ये बड़ी बात है आज की तारीख में, आज की तारीख में बिल्कुल सर। इंडियन बैंक, इंडियन बैंकिंग सिस्टम और इंडियन बैंक के सारे शेयरों पर सेठी साहब का भरोसा बरकरार है, क्या सेठी साहब ऐसा समझना सही है? नहीं बिल्कुल, ये तो मैं तो ये मान रहा हूँ अनिल जी की एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूंकि रिकमेंड कर नहीं सकते, ये एसपीएल मिड कैप में एफएनओ वाले स्टॉक्स आमतौर पे नहीं आते, अदरवाइज मुझे लगता है बहुत अच्छे लेवल्स पे वो भी ट्रेड कर रहा है, जिस तरह से मार्केट हुई है और जो उनका एक्सपोजर है जो ओवर द वीकेंड उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिए बैलेंस शीट साइज के हिसाब से बहुत ही छोटा है, और बाकी भी बैंकिंग स्टॉक्स इवन आईसीआईसीआई बैंक वगैरह जो पिटे हैं आई एम श्योर दे विल रिबाउंड वेरी स्मार्टली और वेरी स्विफ्टली। यह है आपके लिए सेठी साहब के लिए की तरफ से इंडियन बैंक पर आए 10 की कमाई का एक स्टॉक हिमांशु जी भी देना चाहते हैं, सर फरमाए। जी अनिल जी, तो अनिल जी 10 की कमाई के लिए पोजिशनल तौर पर जो स्टॉक मुझे पसंद है स्टॉक है डेटामेटिक्स का, जिसको काफी बार चैनल पर सेठी साहब ने भी और शायद जैन साहब ने भी रिकमेंड किया है, इनफैक्ट मैंने भी रिकमेंड किया हुआ है, और मुझे लग रहा है कि अनिल जी जिस तरह का कंसोलिडेशन से ये स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है ये सही समय है इसमें मोमेंटम भी पकड़ने का, लगभग 300 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक आने वाले 4 से 6 महीने में 400 रुपए तक के टारगेट दिखाने का पोटेंशियल रखता है, तो डेटामेटिक्स मेरी तरफ से 10 की कमाई के लिए एक पोजिशनल खरीदारी का आइडिया है, स्टॉप लॉस के तौर पे 270 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर तो खरीदारी की जा सकती है। तो ये है आपके लिए राय खरीदारी की डेटामेटिक्स में हिमांशु जी की तरफ से। आइए फोकस करते हैं फिर से बजट पर, और बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या है उम्मीदें बताने के लिए तैयार है आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ आ सकता है बजट में? बिल्कुल सर, देखिए काफी सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है हर बजट की लाइमलाइट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही होती है, यहां पर लगातार सरकार का फोकस बढ़ता जा रहा है, लेकिन सीधे तौर पर अगर आप बताओ तो मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज और ट्रांसपोर्ट के लिए जो एलोकेशन होता है, हाईवेज के लिए जो एलोकेशन होता है, इसमें आपको 20 से 25% की बढ़त देखने को मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सड़कें हैं, रेलवे है, अर्बन इंफ्रा है, रूरल इंफ्रा है, यहां पर तो सरकार लगातार फोकस कर ही रही है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो है सड़कों पर काफी ज्यादा फोकस देखने को मिलेगा। हमारी इंडस्ट्री सोर्सेज यही बता रहे हैं कि यहां पर जो एलोकेशन है इसमें आपको बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे सुधारने के लिए जो है काम किया जाएगा, वेयरहाउसिंग को लेकर काफी सारी जो है सरकार की पॉलिसीज आते दिख सकती हैं, जिसके चलते लॉजिस्टिक स्पेस को भी बड़ा फायदा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जाएंगे इसके चलते जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है यहां पर भी आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा एक और स्पेस ऐसी है जहां पर नजर रखेंगे, खासतौर पर जो क्लीन एनर्जी है इसको लेकर भी जो इंफ्रा है इसको सुधारने के लिए कुछ इंसेंटिव का ऐलान किया जा सकता है, तो उम्मीदें ढेर सारी है, लेकिन फोकस जो है इस बार रोडवेज और हाईवेज की तरफ ज्यादा होगा। रोड और हाईवेज की तरफ ज्यादा फोकस रहेगा और ध्यान रहेगा कितना एलोकेशन इस स्पेस के लिए निकल कर आता है। इंफ्रा सबसे बड़ा फोकस बजट में यहीं पर आपको रहता है। आइए पोजिशन पिक का वक्त है पालिया साहब की तरफ से। पालिया साहब बताएं आपकी आज की पोजिशनल स्टॉक सर। सो दीपांशु जी पोजिशनल पिक रहेगी एजिस केम, एजिस लॉजिस्टिक। ये स्टॉक में देखे तो वीकली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए स्टॉक में अब जिस तरीके का यहाँ पे सेटअप बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई 380 के आसपास के है उसको भी सरपास करते हुए दिखेगा, क्योंकि इसमें देखे तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही डेली वीकली मंथली सेटअप पे। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके के फॉर्मेशन है हमें लगता है इसके जो टारगेट पोजिशनली आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 440-450 तक के, तो करंट लेवल से छोटी मोटी डिप में इसको ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करीब 315 के आसपास और अपसाइड के टारगेट 440-450 तक आते हुए दिख सकते हैं। एजिस केम, एजिस लॉजिस्टिक बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल पिक में। एजिस लॉजिस्टिक्स बाय करने की सलाह है पोजिशनल बेसिस पर। यह है पाल वैसा आपकी पसंद। आज वैसे बढ़िया मोमेंटम भी 8% ऊपर काउंटर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सर साहब शॉर्ट टर्म पिक भी ले लीजिए सर, बताएं आपके आज की शॉर्ट टर्म कॉल। दीपांशु आज की जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है वो ऐसे सेक्टर से है जो आज फोकस में है, पेपर का सेक्टर। कल सेसासाई पेपर के नतीजे आए और आज
स्टॉक में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। मेरा जो आज का रिकमेंडेशन है स्टॉक रहेगा तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, TNPL के नाम से ये स्टॉक ट्रेड होता है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है और हमने सेसासाई पेपर के नतीजे देखे हैं, बहुत ही दमदार नतीजे थे। मुझे लगता है बाकी के भी जो कंपनीज है जिनके नतीजे अभी आने बाकी है, बहुत ही दमदार नतीजे इस तिमाही में आएंगे। ये कंपनी पेपर, पेपर बोर्ड और उसके अलावा सीमेंट के कारोबार में भी है। अराउंड 3,30,000 मेट्रिक टन की इनकी सीमेंट की कैपेसिटी है, फिर कैप्टिव पावर है इनके पास। और जिस तरह से सितंबर तिमाही में भी नतीजे थे बहुत ही दमदार थे, 111 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में सिर्फ 4 करोड़ का पैट था। FISDH भी बुलिश है, अराउंड 26% ओन करते हैं, जिसमें HDFC है, ICICI है, ABSL है। और स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, इसकी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड करता है, मतलब 1x बुक पे ये करंट लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 250 का, स्टॉप लॉस रखना 227 रुपए का। ओके, 227 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 260 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी TNPL तमिलनाडु न्यूज प्रिंट में। ये राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से आती दिख रही, बहुत ही बढ़िया। आइए पाले साहब से भी शॉर्ट टर्म पिक ले ही ली जाए। पाले साहब बताएं सर। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी FPL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला है। जिस तरीके से पिछले 3-4 महीनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला है और नियर टर्म चार्ट पे देखें तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है। हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक एक अच्छा मूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए 1250-1280 तक के। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से 1090 के आसपास। APL अपोलो ट्यूब्स बाय करने की सलाह रहेगी। 1090 के स्टॉप लॉस के साथ APL अपोलो ट्यूब यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए राजेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। राजेश ने कार्बोरेंडम लॉन्ग टर्म के लिए चुना था, एजिस केमिकल या फिर एजिस लॉजिस्टिक जिसको आप कह सकते हैं, वो उनका पोजिशनल पिक था और अब शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर APL अपोलो ट्यूब ये आता हुआ आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और हमारी खास सीरीज पर फोकस करने का वक्त है, मार्केट मांगे मोर। बजट की, बजट से क्या है बाजार की उम्मीदें, बाजार के जाने माने फंड मैनेजर से हम आपको करवा रहे हैं मुलाकात। इक्विटी मार्केट का हाल भले वोलेटाइल हो लेकिन सोने में जबरदस्त एक्शन है। रिकॉर्ड हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है सोना और एमसीएक्स पर अब जो दाम 57,149 का बना है ये ऐतिहासिक स्तर अब तक का लाइफ टाइम हाई बन चुका है। तो सोने में निवेश करने वाले सभी निवेशकों को और विशेषकर हिंदुस्तान की सभी महिलाओं को, गृहणियों को, उनको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, कभी कभार ऐसा होता है कि सोना पहले रिकॉर्ड हाई बनाए इक्विटी मार्केट के पहले, तो कह सकते हैं कि इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने वाले उनके बेटर हाफ से वो आज ज्यादा समझदार हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाया है, एंजॉय कीजिए। 57,000 के ऊपर के दाम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। बग्गा साहब से एक बार आउटलुक भी ले। हाँ पूछिए, बिल्कुल बग्गा साहब को तो सोने चांदी में बड़ा इंटरेस्ट है, बग्गा साहब से जरा राय भी ली जाए। सर बताएं, जरा राय दें अपनी। नहीं अनिल जी, जो आपने कहा, देखिए भारतीय हाउसहोल्ड्स के पास अमेरिकन सेंट्रल बैंक से ज्यादा सोना है, ये लगभग $2 trillion का सोना भारतीय हाउसहोल्ड्स के पास है। और सबसे बड़ी अगर हम उपलब्धि कर सकते हैं, अगर इसको हम किसी तरह से मोनेटाइज कर पाए तो बहुत बढ़िया। ये पैसा अगर फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाए के सिंथेटिक सोना बेच के या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड ETF या कुछ भी इस तरह का बेच के अगर इसको मोनेटाइज किया जाए तो भारत के लिए बहुत अच्छा है। बट ये भारत को बहुत एक सॉलिड फंडामेंटल भी प्रदान करता है, आपको करेंसी डिप्रिसिएशन से भी बचाता है क्योंकि इतना ह्यूज सोने का होल्डिंग है। इस साल की व्यू अनिल जी, जैसे हमने जनवरी के अपने शो में भी कहा था कि सोना पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव। सिल्वर में क्या नेगेटिव है कि अगर स्लो डाउन आता है, 60% सिल्वर की खपत होती है इंडस्ट्री में, तो अगर स्लो डाउन आता है
रिसेशन आता है। देखिए जैसे पीसी लैपटॉप की खपत बहुत कम हो गई, माइक्रोसॉफ्ट के नंबर्स अगर आप देखें तो विंडोज इतने नहीं बिके, ऑपरेटिंग सिस्टम उससे यही दिखा, पीसी लैपटॉप नहीं बिक रहे इतने, तो माइक्रोसॉफ्ट डाउन द लाइन हुआ। ऐसे ही सिल्वर ऊपर बैठता है आपके मोबाइल फोन, आपकी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में सिल्वर बैठता है। तो सिल्वर पे इतना मैं पॉजिटिव नहीं हूं, बट फिर भी क्या होता है कि जब सोना चलता है तो सिल्वर भी साथ लोग खरीदने लग जाते हैं। और अभी रुझान ये है कि जब रेट्स पीक आउट हो रहे हैं ग्लोबली, एक पॉज आ रहा है रेट हाइक्स में, तब सोने की चाल और बेहतर हो जाती है। और आखिरी जो पॉजिटिव ट्रिगर है सोने का, पिछले साल भी लगभग 400 टन सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा। सेंट्रल बैंक्स मतलब जितने आरबीआई हैं दुनिया भर के, वो ज्यादा खरीद रहे हैं सोना। सबसे बड़ा रशिया और चीन सोना खरीद रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कुछ सोना जरूर खरीदा पिछले साल। तो सेंट्रल बैंक्स, क्योंकि डॉलर एक वेपन की तरह यूज किया जा रहा है, फॉरेन रिजर्व्स कभी भी आपके बैन में आ सकते हैं, सीज किए जा सकते हैं, तो काफी सेंट्रल बैंक्स देख रहे हैं कि धीरे धीरे सोने में मूव किया जाए, तो इससे भी बहुत बड़ी डिमांड है। और फिर भारतीय डिमांड तो बहुत स्ट्रांग है, चाइना रीओपनिंग जो मैंने पहले कहा, 2.6 trillion dollars एक्सेस सेविंग पड़े हैं चाइनीज कंज्यूमर्स के पास, वो जरूर उसका एक छोटा पोर्शन सोने में आएगा। तो काफी टेलविंड्स हैं सोने के लिए, काफी प्रोत्साहन है सोने के लिए ओवरऑल डिमांड की तरफ से। सप्लाई तो बढ़ती नहीं है, सप्लाई तो उसी लेवल पर है, तो सोना और जाएगा इस साल, आउट परफॉर्मेंस है सोने की। चांदी में थोड़ा सा अभी भी इतना पॉजिटिव नहीं हो, क्योंकि जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है उससे वो ज्यादा नहीं बढ़ने देगा, बट यहां से 10-15% चांदी और साल के अंत तक लेना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो सोना यहां से आपको और बड़ी मूव दिखा सके, 10-15% ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर है हमारे प्राइसेस, इंटरनेशनली भी आप देख रहे हैं लगभग एक साल की ऊंचाई पर प्राइसेस रिसेंटली आते हुए दिखे, और यहां से और ऊपर जाने की पूरी संभावना है। आइए एक ट्रेडिंग कॉल आ रही है जय ठक्कर की तरफ से, बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय जी। दीप खरीदना है एट द मनी स्ट्राइक का, और थोड़ा इन द मनी हो गया अभी, इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बजाज फाइनेंस का 6000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदे, अभी आपको ये ट्रेड करते हुए मिलेगा 232 रुपए पर। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दीपांशु नीचे में 171 पर, सो 171 का एक स्टॉप लॉस लगाया, 232 पर खरीदे, 6000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बजाज फाइनेंस का। ऊपर में जो इसके टारगेट्स आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट विल बी 289, द सेकंड टारगेट विल बी 312, सो 289 312 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे बजाज फाइनेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ही एक अच्छी आपको शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखने मिलेगी, जो ऑलरेडी आज हमें देखने मिली, ऑलमोस्ट स्टॉक 4.5-5% के बीच में ट्रेड कर रहा है पॉजिटिव साइड पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पॉट में लगभग आपको 6200 तक के भी लेवल्स मिनिमम आपको देखने मिलेंगे इनिशियली, एंड देयर आफ्टर यू नो पोजिशनल पर्सपेक्टिव ये गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग एक आध हफ्ते में आपको 6350-6400 तक के भी लेवल्स दिखाई देने मिल सकते, आफ्टर अ लॉन्ग नो करेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली स्टॉक ने एक पॉज लिया है और यहाँ से अच्छा खासा एक आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक रिवर्सल देखने मिल सकता है फ्रॉम डाउन टू अप। ओके तो ये है आज आपके लिए बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की, 6000 वाला कॉल ऑप्शन 232 में खरीदना है 171 के स्टॉप लॉस के साथ, 289-289-312-312 के टारगेट के लिए बजाज फिनसर्व खरीदारी करने की राय सुमित जी ने दी थी राइट, और बजाज फाइनेंस की आ रही है जय की तरफ से। आइए अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, एक कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं जहाँ उतार ही उतार है, आज भी कमजोर है, जो कुछ थोड़ी बहुत मजबूती बनी थी फ्यूचर्स के स्टॉक्स में अंबुजा एसीसी, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, वहां पर भी ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। और अब यह मार्केट आगे विदेशी फंड इन शेयरों को लेकर आगे क्या रुख बनाते हैं उस पर फोकस रहेगा। एमएससीआई मॉर्गन स्टैनली का कॉम्पोजिट इंडेक्स, जो एक इंडेक्स ऐसा है जिसमें कई सारे एफआईआई जिसे फॉलो करते हैं, उसमें जो शेयर होते हैं उसमें उनका जो वजन है उस अनुपात में पैसा लगाते हैं,
तो आइए आपको डिटेल्स दें जिसकी वजह से वीकेंड पर काफी चर्चाएं चल रही थी कि एमएससीआई के इंडेक्स में बदलाव हो सकता है। तो पहले तो ये बताएं कि एमएससीआई इंडेक्स में क्या कुछ है, क्या वेटेज है अदानी ग्रुप के शेयरों का, किस तरह का बदलाव हो सकता है, ये सारी डिटेल्स लेकर नूपुर हमारे साथ है। नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है उस हिसाब से वेटेज में भी चेंजेस का एक्सपेक्टेशन होगा नहीं होगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन वेटेज में आपको बता देती हूँ जो करंट वेटेज है सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो अदानी टोटल गैस में 1.35% का, वैल्यू टर्म्स में देखेंगे तो 6,600 करोड़ के आसपास का है। अदानी एंटरप्राइजेस में देखे तो 1.3% का वेटेज है, इसको वैल्यू टर्म्स में करें तो 6,360 करोड़ के आसपास का आता है। फिर अदानी ट्रांसमिशन जहां पे करीबन 1% का वेटेज है और इसे वैल्यू टर्म्स में करें तो 4,500 करोड़ की वैल्यू आती है। अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर में भी करीबन 1,300 से 3,000 करोड़ तक का वैल्यू टर्म्स में वेटेज आता है, 0.2% से लेके 0.7% के आसपास तक का इन तीनों कंपनीज में भी वेटेज है। अंबुजा सीमेंट में भी है 0.37% का वेटेज है, यहां पे देखेंगे तो करीबन 1,800 करोड़ का वैल्यू इन टर्म्स में आता है वेटेज के लिहाज से, और एसीसी में भी 0.2% का वेटेज है 1,000 करोड़ के आसपास। तो टोटल एक्सपोजर जो होता है टोटल वेटेज का जो अगर वैल्यू निकाले तो करीबन 28,000 करोड़ के आसपास होता है। अगर कुछ भी रीबैलेंसिंग होती है या वेटेज कम होता है तो आउटफ्लो आ सकता है, थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर अगर यहाँ से बने तो बने, पर अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, बट हो सकता है कि अपडेट यहाँ से एक निकल कर आए। तो आप ये करें कि एमएससीआई को फॉलो करने वाले जितने भी इंडेक्स हैं वो कुल मिलाकर 28,000 करोड़ का स्टॉक होल्ड करते हैं अदानी ग्रुप का। बिल्कुल सर, तो अगर उसमें वेटेज में कम हुई, अब 28,000 करोड़ में से वेटेज बढ़ने का तो खैर फिलहाल स्कोप है नहीं क्योंकि भाव घटे हुए हैं, तो अगर घटता है 2-4-5 हजार करोड़ कुछ घटता है तो उतनी सेलिंग आने की आशंका रहती है। अब वो कितनी आती क्या आती है इसका रिव्यू कुछ अंदाजा है, कितना फ्रिक्वेंटली होता है, क्या क्या सिस्टम है इसका, रिव्यू तो हो गई क्वार्टरली हाफ ईयरली तो होता ही है सर। ओके हाँ, पर अगर एबनॉर्मल सिचुएशन में बीच में भी कर सकते हैं ऐसा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, अदरवाइज क्वार्टरली और हाफ ईयरली तो होता ही है। चलिए बढ़िया, तो ये है एमएससीआई इंडेक्स में जो वेटेज अदानी ग्रुप के सारे शेयरों का और स्पेशली कैश मार्केट के स्टॉक, आई थिंक ये थोड़ी चिंता की बात है क्योंकि अभी भी ये ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं। जरा एक बार कैश मार्केट के स्टॉक्स अदानी ग्रुप के मैं आपके सामने रख लूँ, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, ये तो फ्यूचर्स के हैं, फ्यूचर्स के सब हरे निशान में। कैश मार्केट में 5 स्टॉक है जिसमें दो ये फिर से 20% की लोअर सर्किट पर लग गए सर, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, ये चिंता की बात है। अदानी विलमार भी 5% नीचे है, इसके अलावा अदानी पावर 5% नीचे है, दो और स्टॉक है वो आपके सामने जाए, और अदानी ग्रीन 17% आपके 17% नीचे, तो ये सारे स्टॉक हैं जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हाल तो बेहाल है सर, रिकवरी आई जो है वो टिकी नहीं है, टिकी नहीं है बिल्कुल सर इन किसी काउंटर में। आइए बढ़ते आगे, और डिफेंस सेक्टर ये भी सुर्खियों में रहता है हर वक्त बजट के वक्त, और आइए देख लेते हैं कि डिफेंस सेक्टर से क्या उम्मीदें रखी जाए, बजट में क्या कुछ हो सकता है डिफेंस सेक्टर के लिए। कुशल हमारे साथ हैं इस वक्त, तैयार कुशल बताइए। सर डिफेंस सेक्टर हमेशा से ही सरकार का बड़ा फोकस रहा है बजट में, और कहीं ना कहीं जिस तरह का आवंटन इन्होंने पिछले साल किया था लगभग 5.25 लाख करोड़ का, वहां पर हम 10-15% की और ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं। तो यहां पर सरकार लगातार फोकस बढ़ा रही है, और डिफेंस स्पेस को लेकर खासकर हम लगातार अनाउंसमेंट्स भी ये सुनते आ रहे हैं कि यहां पर घरेलू उत्पादन जो है, जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी डिफेंस रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स हैं, उसको अब बड़ा फोकस सरकार का ये बन रहा है कि जो घरेलू कंपनियां हैं उसको मैन्युफैक्चर करने में ज्यादा बढ़ावा मिलती हुई नजर आए। तो 10-15% की हम एक्सपेक्टेशंस है कि इस बजट में यहां पर ये जो एलोकेशन है ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जबकि इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 25% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रही है, लगभग 6.6 लाख करोड़ यहां पर ये रक्षा बजट इसके अनुसार डिफेंस को मिलता हुआ दिख सकता है। तो एलोकेशन यहां पर 15-20% तक की हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और स्पेसिफिकली एमएसएमई की अगर आप बात करें तो यहां पर बड़ा फोकस है क्योंकि रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई की अब बड़ी भागीदारी होती हुई दिख सकती है, तो सरकार इस पर बड़ा फोकस कर सकती है, और खासकर जो आरएनडी खर्च है उसको लेकर भी अगर कोई इंसेंटिव्स या पॉलिसीज का ऐलान होता है तो आरएनडी स्पेस में और जो डिफेंस स्पेस की कंपनियां हैं इसमें जो लीड करती हैं उनको बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो इस वजह से जो घरेलू डिफेंस कंपनियां हैं उस पर आपको फोकस रखना है क्योंकि एलोकेशन इस बारी बजट में बढ़ने की उम्मीद लगाकर चल रहा है। ये है आपके लिए डिफेंस सेक्टर को लेकर बाजार की उम्मीदें। आइए बढ़ते आगे, न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का वक्त है,
और मुलाकात करेंगे कैप्री ग्लोबल से। एमएसएमई लोन और हाउसिंग फाइनेंस पर कारोबार करने वाली एनबीएफसी कैप्री ग्लोबल, जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में लोन देने का कारोबार करती है और कंपनी के पास 24,000 के आसपास 23,000 के आसपास कस्टमर्स हैं। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। कंपनी के एमडी राजेश शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और 30 साल के आसपास का लंबा गहरा अनुभव आप रखते हैं कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल एडवाइज का। नतीजे कल आए हैं, पहले मैं आपके सामने नतीजे रख दूँ। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि आय में बढ़त आई है 18% की, लेकिन मुनाफा 42% घटकर 37 करोड़ पर पहुंचा है। वहीं दूसरे आंकड़े एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम 50% से अच्छी ग्रोथ के साथ बढ़कर आया। एसेट क्वालिटी ग्रोस और नेट दोनों ही लेवल पर स्टेबल है तिमाही दर तिमाही, और मार्जिन जो है वो 8.9% से 8.5% आए, यानी कि 40 बेसिस पॉइंट तिमाही दर तिमाही कम हुए हैं। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले नतीजों पर ही, जहाँ एक और आपकी एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी तेजी से बढ़ी है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ी, लेकिन मुनाफा कम हुआ है, क्या वजह समझते हैं सर इसकी? तो इस बार हमने गोल्ड लोन का जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो हमने काफी तेजी से ब्रांचें ऐड की हैं। करीबन हमने 450 ब्रांच जो है आज की तारीख में एक्टिव कर दी है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज जो है इसी क्वार्टर में एक्टिव हुई है। तो और जो तो पहले ही ब्रांच शुरू करने के पहले ही एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेते हैं, तो यदि करीबन करीबन 67 करोड़ का लॉस गोल्ड लोन से आया है, यदि गोल्ड लोन का लॉस हम निकाल दे तो ये क्वार्टर का प्रॉफिट होता है 115 करोड़ रुपए। तो उसके चलते ये जो है आज तक हमने करीबन 98 करोड़ का लॉस लिया है गोल्ड लोन में, तो इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा लॉस बुका है, और ये जब तक ब्रांच एक्सपांशन चलता रहेगा तब तक कुछ ना कुछ ये लॉस देंगे, क्योंकि एक गोल्ड लोन की ब्रांच को ब्रेक इवन पे आने में करीबन करीबन 12 से 15 महीने का समय लगता है। तो एमएसएमई सेगमेंट और होम लोन जो है उनका प्रॉफिट बढ़ा है, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का बढ़ा है, ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ा है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ किया है, तो उसके चलते ये प्रॉफिट के अंदर में थोड़ी गिरावट दिखाई दी है, पर ये एक इन्वेस्टमेंट फेस है। लेकिन गोल्ड लोन वाला बिजनेस ऐसा है जहां कंपटीशन बहुत है, बैंक से भी है, पुरानी एस्टेब्लिश गोल्ड कंपनियां भी है, तो आप इतने एग्रेसिव प्लान्स लेकर जो चल रहे हैं, इसके पीछे कोई खास वजह? देखिए हमें लगता है कि इंडिया का जो मार्केट ग्रो कर रहा है, और खासतौर से गोल्ड लोन की हम बात करें तो 3.5 लाख करोड़ की एवरेज की जो मार्केट साइज है वो 12% से बढ़ रही है। तो ये ग्रोथ में यदि हम 10,000 करोड़ की बुक बनाने की बात करें जिस एरिया में हम ऑपरेट करते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। और हम इस कस्टमर सेगमेंट को समझते हैं जिनके पास इनकम प्रूफ नहीं है, जिसको कैसे 10 मिनट में पैसा दिया जा सकता है। तो इन सब चीजों के चलते हुए हमें लगता है कि कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन के अंदर भी मार्केट में ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है, और ये एक अच्छा प्रॉफिट देगा जब एक आपका 1,000 ब्रांच प्लस का जब बेस बन जाता है, तो उसमें आपकी जो है ओवरऑल सेटअप कॉस्ट जो है लीवरेज हो जाती है लार्जर नेटवर्क पे, और लोन बिजनेस में भी एक्सपांशन तगड़े है। अब आइए आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर बात करते हैं, 40 बेसिस पॉइंट घटे हैं, राइजिंग इंटरेस्ट सिनेरियो है। पहले जनरली आप हम देखते हैं कि लोन्स की रेट्स पहले बढ़ती है डिपॉजिट्स या फिर बाद में होता है, ये बताइए मार्जिन किस तरह के उम्मीद की जाए, कहाँ आप स्टेबल होते हुए देख रहे हैं? तो हमें ये लगता है कि कुछ मोर देन 50% कस्टमर पे हम लोगों ने जो रेट इंक्रीज है वो पास ऑन कर दी है। जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के कस्टमर है उन पे रेट पास ऑन नहीं हो पाती, 3 साल तक का फिक्स्ड हम देते हैं, तो ये हमें 40 बेसिस का जो है अब जो नई बिजनेस बुक हो रही है वो इंक्रीज रेट पे हो रही है, तो हमें लगता है कि बाई अनदर 6 मंथ में ये मार्जिन वापिस पुराने लेवल पे आ जाएगा। और इन्हीं लोनों में जब रेट घटती है तो फिक्स होने के कारण उनमें फायदा भी होता है, तो ओवरऑल लॉन्ग एंड टर्म पे साइकिल जो है अपने आप इस चीज को करेक्ट कर लेती है, तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान होता नहीं है इसमें। और नए के सारे लोन जो है वो एक हमारे टारगेटेड स्प्रेड पे बुक हो रहे हैं पूरे सेगमेंट में, चाहे एमएसएमई हो, होम लोन हो, चाहे गोल्ड लोन। अच्छा एसेट क्वालिटी वैसे स्टेबल है, ग्रोस लेवल पर आपकी स्टेबल है, थोड़ी सी नेट लेवल पर हल्की सी बढ़ी है, कोई खास वैसे बहुत ज्यादा नहीं, कैसे देख रहे हैं आप एसेट क्वालिटी को आने वाले समय में?
असेट क्वालिटी में जो एयूम बढ़ेगा, अभी एयूम बढ़ने के साथ साथ हमें लग रहा है रिकवरी हमारी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है करीबन करीबन 96% एमएसएमई में, अबाउट 98% होम लोन में है, और गोल्ड लोन में तो आपके पास काफी अच्छा मार्जिन होता है कि जहां पे आपको कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज होता नहीं एक्सेप्ट फ्रॉडुलेंट केसेस में, तो हमें लगता है कि कोई एनपीए साइड पे कोई चैलेंज नहीं है बहुत बड़ा। इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, और इन सब चीजों के करते हुए और ग्रोथ आप देखें, हमारा एयूएम इस बार करीबन करीबन 50% से ग्रो हुआ है। पिछले सेम क्वार्टर लास्ट ईयर का हम देखें तो लास्ट ईयर था 5774 और अभी हमने क्लोज किया 8602 पे, तो 50% की ग्रोथ आई है। हमने गाइडेंस दी थी 27% ग्रोथ की, तो नंबर काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ब्रांच एक्सपांशन काफी हो रहा है। एमएसएमई होम लोन में अभी करीबन करीबन 134 ब्रांच पे पहुंच गए हैं और अगले साल तक हम लगता है 145 ब्रांच के आसपास पहुंच जाएंगे, तो ब्रांच एक्सपांशन हो रहा है। प्लस हमारा जो एक फी इनकम का है कार लोन, वो काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इस साल हम करीबन करीबन 90 से 100 करोड़ रुपए की फी इनकम उसमें जनरेट करेंगे, जो कभी करीबन 30 से 40 करोड़ रुपए का बॉटम लाइन में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और उसमें कोई कैपिटल लगानी नहीं होती, जो काफी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल हमें ये साल जो है काफी डिफरेंट लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। गोल्ड लोन का एक्सपांशन हो रहा है, ओवरऑल एयूएम बढ़ रहा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इन्वेस्टमेंट के कारण नीचे आई, अदरवाइज इसका इंपैक्ट आपको अगले साल दिखाई देगा पॉजिटिव साइड पे। एक और सवाल जो थोड़ा हटकर आपके बिजनेस से वो मैं पूछना चाहता हूँ राजेश जी आपको, कि कल इस वीकेंड पे हमने एक अच्छी खबर सुनी कि वुमेन्स वर्ल्ड कप में अंडर 19 टीम हमारी जो है वो विश्व कप जीती है। अभी हाल ही में जो आईपीएल में टीम्स ऑक्शन हुई तो उसमें मैं आपका भी एक नाम पड़ा था, कैप्री ग्लोबल ने भी खरीदा, क्या क्या प्लान है आपके? शायद पहले भी आप स्पोर्ट्स में कुछ और टीम्स खरीद चुके हैं, क्या आपने इसी कंपनी में खरीदी या अलग से खरीदी, जरा बताएं क्या प्लान है आपका? तो ये जो है ये इन्वेस्टमेंट जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में है जो फैमिली ऑफिस की है, ये लिस्टेड कंपनी में नहीं है। हमारे पास में एक खो खो की टीम है, एक कबड्डी की टीम है, एक यूएई में हमारे पास इंटरनेशनल लीग है T20 की, और एक अब हमने वुमेन आईपीएल की टीम ली है। हमें लगता है कि जो भी स्पोर्ट्स रूरल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हो जहाँ पे हो, तो उसका एक हमारे कंज्यूमर ब्रांड बिल्डिंग में काफी हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा आई थिंक वुमेन आईपीएल बहुत ही एक अपने आप में एक नई शुरुआत है क्रिकेट में, जहाँ पे वुमेन को फोकस दिया जा रहा है। आप देखिए बीसीसीआई ने पिछली बार इसको फोकस करते हुए इक्वल पे किया था, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट में जो वुमेन पे फोकस है, जहाँ पे वो एक कंट्रीब्यूट करती है हमारी सोसाइटी में, एक नया चैप्टर है। हम इसके साथ जुड़ना चाहते थे। आपने कहा कि बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, अंडर 19 में हमने वर्ल्ड कप जीता है, तो ये वुमेन प्रीमियर लीग का जो हमने लखनऊ का जो फ्रेंचाइज लिया है वो भी बड़ा स्ट्रेटेजिकली लिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है एक लार्जेस्ट स्टेट है और वहाँ पे हमारी ब्रांचेज भी हैं, वहाँ पे फर्दर हमारा एक्सपांशन भी प्लान्ड है। और ये वुमेन जो है उसके एक अलग जो है स्पॉन्सरशिप, एक अलग उसकी डिमांड भी है, तो हमें लगता है कि वुमेन स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए हम जो भी कर पाएंगे हम इसमें करेंगे। हम इसके अंदर में अकेडमी वगैरह पे भी फोकस करेंगे, कैसे उनको ग्रोथ किया जाए। ओवरऑल हम काफी एक्साइटेड है इस वुमेन प्रीमियर लीग को, पहला टूर्नामेंट जो है मार्च में होने की उम्मीद है, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग उसको टीवी पे देखें, स्टेडियम में आके देखें और चीयर अप करें हमारी जो है वुमेन ऑफ द कंट्री है उनको आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, और एक अच्छी बात आपने की जो मैंने जो आपने सब खेलों के पीछे आपने पर्पस बताया, एक हमारे देश के जुड़े हुए खेल खो खो कबड्डी जैसे, और दूसरा महिलाओं से जुड़े हुए खेलों को बढ़ावा देने के लिए आप ये कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई, धन्यवाद, कॉम्प्लीमेंट्स भी। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और आपके ये जो से स्पोर्ट्स एडवेंचर हैं उनके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाली तिमाही के लिए भी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आज नतीजे पर हमसे विस्तार से बात। ओके, तो राजेश शर्मा साहब कैप्री ग्लोबल के बताते हैं अपने नतीजों पर और साथ ही स्पोर्ट्स एडवेंचर्स के बारे में, जो लगातार वहां पर निवेश कर रहे हैं पर्सनल कैपेसिटी में। लेकिन आइए बढ़ते आगे और विदा लेने का वक्त लेंगे। उससे पहले बता दूं, ब्रेक छोटा सा है, ब्रेक के बाद भी मैं आपके साथ ही हूं, और उसकी वजह यह कि हमारे स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान पधार जी मधु केला सर आ रहे हैं, और बजट और बाजार पर उनसे होगी विस्तार से बातचीत। छोटा सा ब्रेक तो 11 बजे के आसपास जो हमें लेना हो तो लेंगे ही, उससे पहले बग्गा साहब से लेंगे विदा, कुणाल जी राकेश जी का भी अनुमति लेनी होगी हमें, और साथ ही जय ठक्कर साहब, सुमित जी वागले साहब, राजेश पालिया साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह समय देने के लिए। दोपहर में आप सबसे होगी मुलाकात, दीप को दीजिए इजाजत और मेरी तरफ से नमस्कार स्वीकार कीजिए। शो का समापन देश के प्रति सम्मान के साथ, जय हिंद।